हाँ प्रभु। अपनी पत्नी पर संदेह करके वो उसे घर से निकाल रहा था। लोगों ने उसे रोका तो कहने लगा, मैं राजा राम नहीं हूं जिसने साल भर रावण की लंका में रहने के बाद भी सीता को अंगीकार कर लिया था। दुर्मुख, क्या ये सब तुमने अपने अपने कानों से सुना? हाँ प्रभु, और अपनी आंखों से देखा भी है। मैंने ही नहीं, वहां उपस्थित बहुत सारे लोगों ने भी। राजमुकुट हम दोनों के बीच में दीवार बन गया है। मैं इस दीवार को गिरा दूंगा। रुक जाओ राम, इस प्रकार सिर से ये मुकुट उतार कर तुम अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं हो सकते। रघुकुल के आदि देवता भगवान सूर्य देव के समक्ष कुलगुरु वशिष्ठ ने यह मुकुट तुम्हारे सिर पर रखकर तुम्हें इस साम्राज्य का महाराजा बनाया है। रिश्ते नातों की परवाह किए बिना प्रजा की इच्छा पूरी करने और उसके सुख दुख का ध्यान रखने के अभिप्राय से इससे विमुख नहीं हो सकते। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये राज, ये प्रजा, ये शासन, ये महल कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सीता चाहिए, केवल सीता। विचलित मत हो राम, आने वाली पीढ़ियों को धर्म का मार्ग दिखाने के लिए तुम्हें सीता को अपने से दूर करना ही होगा। मेरी सीता अग्नि परीक्षा दे चुकी है, वो निष्कलंक है, निर्दोष है। उसका परित्याग करके मैं उसके कोमल भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकता। रघुवंश की परंपरा को स्वर्णाक्षरों में लिखने के लिए तुम्हें अपने स्नेह का बलिदान करना होगा। सूर्यवंश की दीपशिखा आप सबके शौर्य कर्मों के तेज से ही प्रज्वलित है। आपके वंश का एक अकिंचन सा दीपक होने के नाते मैं आप सबसे पूछता हूँ, क्या मैं केवल एक महाराजा हूँ? क्या मुझ पर मेरा कोई अधिकार नहीं? नहीं। किंतु क्यों? क्यों? क्योंकि अभिमान और स्वार्थ की दीवार गिराकर तुमने निस्वार्थ भावना से शब्द को ठोकर मारकर अपने सिर से ये मुकुट उतार देना चाहते हो? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। राज्य एक वृक्ष के समान होता है, राजा उस वृक्ष का मूल होता है, प्रजा जन उस वृक्ष के पुष्प है। प्रजा का पालन करना राजा का पहला धर्म है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मुझे मेरी सीता चाहिए, मुझे मेरी सीता चाहिए। सीता, सीता, सीता! क्या हुआ भैया, क्या कोई बुरा स्वप्न देख लिया? नहीं लक्ष्मण, स्वप्न नहीं, मेरी इन जागती आंखों ने सीता के साथ होने जा रही एक सच्चाई देखी है। यह मुकुट, यह सिंहासन मुझसे मेरी सीता को छीन रहा है, मेरी सीता को मुझसे छीन रहा है। भैया, यह सिंहासन आपका है, भाभी यहाँ की राजरानी है, आप यहाँ के महाराजा हैं। महाराजा होने के कारण ही मुझे अपनी सीता को अपने से दूर करना पड़ रहा है। माता सीता को अपने से दूर करना पड़ रहा है, किंतु क्यों भैया? क्योंकि हमारे राज्य के एक नागरिक ने अपनी पत्नी पर संदेह करके उसे घर से निकालते हुए यह कहा कि वो राजा राम नहीं जो साल भर रावण की लंका में रहने के बाद भी अपनी पत्नी सीता को अंगीकार कर चुका है। कौन है वो धर्मी जिसने भाभी माता पर कलंक लगाने की चेष्टा की है? बताइए भैया, कौन है वो पापी? कौन है वो जिसने रघुवंश की प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछालने का दुस्साहस किया है? मैं उस नीच की चूहा काट कर फेंक दूंगा। नहीं लक्ष्मण, प्रजा की वाणी को क्रोध की कृपाण से दबाने की आज्ञा सूर्यवंश की परंपरा नहीं देती। और सीता मैया जैसी पवित्र पावन नारी शिरोमणि जिसे स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव एवं समस्त देवताओं ने सती साध्वी और पतिव्रता कहा, उसे आपको अपने से अलग करने की आज्ञा देती है?
कैसी है ये वंश परंपरा? और भैया आप ये क्यों भूलते हैं, स्वयं आपने भाभी की अग्नि परीक्षा ली है। किंतु सीता की वो अग्नि परीक्षा तुमने देखी है, मैंने देखी है, वहां उपस्थित वानर सेना ने देखी है, अयोध्या के प्रजा ने तो नहीं देखी। भैया भाभी को अपने से दूर करके क्या आप सुख से रह पाएंगे? नहीं, कभी नहीं। मैं सीता के बिना पल भर के लिए भी सुख का स्वप्न नहीं देख सकता, और मैं जानता हूं सीता भी मेरे बिना चैन से नहीं रह सकती। एक ओर सीता और उसका स्नेह है, तो दूसरी ओर ये राज सिंहासन और मेरा राज धर्म। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, क्या करूं। ईश्वर करे कभी किसी शत्रु को भी जीवन में ऐसी विकट समस्या का सामना न करना पड़े। यदि तुम तीनों ये नहीं चाहते कि मैं सीता का परित्याग करूं, यदि तुम तीनों को सीता का और मेरा बिछो पसंद नहीं, तो तुम तीनों में से कोई भी राज सिंहासन पर बैठ जाए, यहां का राजा बन जाए और मुझे राजधर्म के इन जटिल बंधनों से मुक्त कर दे। लक्ष्मण तुम ले लो मुझसे ये राज सिंहासन। नहीं नहीं भैया नहीं। भरत तुम ले लो मुझसे ये राजमुकुट। नहीं ये मुझसे नहीं होगा भैया। शत्रुघ्न तुम संभाल लो राज्य की इस बागडोर को। भैया आप चाहे तो आपके लिए हम अपनी आकांक्षाओं और अपने अधिकारों की बलि चढ़ा दें। आप कहें तो हम इसी समय अपने सिर काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दें। किंतु इस सिंहासन पर बैठने की बात ना हम सोच सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। हाँ भैया हमारी इस विवशता के लिए हमें क्षमा करें। क्षमा करें भैया, क्षमा करें। तो फिर मैं भी विवश हूं, मेरे सामने भी सीता को वन में भेजने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। और लक्ष्मण यह कार्य तुम्हें संपन्न करना होगा। भैया हाँ लक्ष्मण, और उस भागिन को अंत तक यह मत बताना कि मैंने उसका परित्याग किया है। क्षमा करें भैया, आपका इतना कठोर आदेश पालन करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। सीता भाभी के साथ इतना बड़ा अन्याय करने का साहस मैं कहां से लाऊं? क्यों, अभी तो तुमने कहा था अतिरिक्त इस सिंहासन को अपनाने के तुम मेरी हर आज्ञा का पालन करोगे। ये किस दुविधा में फंस गया मैं भैया? एक ओर आपका आदेश है और दूसरी ओर मेरी सीता भाभी का स्नेह। हे भगवान मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? ये मेरे पिछले जन्मों के पाप हैं या मेरा कोई दुर्भाग्य? नहीं लक्ष्मण नहीं, दुर्भाग्यग्रस्त तो अभागिनी सीता है। माता? हम केवल माता ही नहीं राघव, राज माता भी हैं। और सीता तुम्हारी पत्नी ही नहीं, इस घराने की बहू भी है। और हम सीता को बहू से कहीं अधिक अपनी पुत्री मानती हैं। और उसी के प्रति इतना कठोर निर्णय लेने से पहले तुमने हमसे एक बार भी पूछने की आवश्यकता नहीं समझी। माँ इसे मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ, फिर भी ये कहने में मुझे बिल्कुल संकोच नहीं कि आपके सूर्यवंश की मान मर्यादा को कलंकित होने से बचाने के लिए मैंने ये निर्णय लिया है। अर्थात तुम ये कहना चाहते हो कि इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर जब सूर्यवंश की कथा लिखी जाएगी तो ये भी लिखा जाएगा कि वंश की मर्यादा बचाने के लिए एक नारी, वो भी गर्भवती, कुल के दीपक की माँ बनने वाली नारी को अबला बनाकर सूर्यवंशी महाराजा ने वन में ठोकरे खाने के लिए भेज दिया। माँ मेरे इस कठोर निर्णय का बाण स्वयं मेरे हृदय को भेद गया। वो गर्भवती कोई और नहीं, मेरी धर्म पत्नी है, मेरी अर्धांगिनी है, मेरी सीता है। वो मेरे जीवन का एक अंग है, वो मेरे रोम रोम में बसी है। माँ उसके बिना मेरा जीवन कुछ नहीं। तो फिर क्यों परित्याग कर रहा है उसका? मैं क्या करूं माँ, मेरे दोनों हाथ बंधे हैं। एक हाथ प्रजा को दिए हुए वचन की डोर से, तो दूसरा हाथ राजधर्म की निर्वाह की सौगंध से। मैंने आपके इन तीनों पुत्रों से कहा कि मुझे इस राजसिंहासन से मुक्त कर दें, परंतु इन्होंने मेरी विनती, मेरे आदेश को ठुकरा दिया। आप माँ हैं, यदि आप चाहती हैं कि सीता के साथ अनर्थ ना हो,
तो समझाइए इन्हें, पूछिए इनसे ये मेरी बात क्यों नहीं मानते। क्या मेरे लिए इनका प्रेम, इनकी भक्ति इन्हें ऐसा करने से रोक रही है, या फिर इन्हें इस बात का भय है कि भविष्य में कहीं इन्हें भी किसी ऐसी समस्या, ऐसी सच्चाई का सामना न करना पड़ जाए। पूछिए इनसे मां, पूछिए इनसे। मैं जानता हूं तुम में से कोई भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं। इस संसार में केवल एक ही आत्मा है जिसने सदा सर्वदा खुशी खुशी मेरे हर आदेश का पालन किया है। वो आत्मा कोई और नहीं, सीता है, मेरी सीता। दुर्भाग्य से उस बेचारी ने मेरी पत्नी बनने का पाप किया है, इसलिए आज मैं अपने साम्राज्य की चौखट पर उसके सुख चैन की बलि चढ़ाने जा रहा हूं। नहीं राघव, इतने कठोर मत बनो। आपका कोमल हृदय राम मर चुका है मां। इस राम के सिर पर रखे मुकुट के चमकते पत्थरों ने इसे भी पत्थर बना दिया है, इसीलिए आज ये अपने पत्थर मन से आदेश देता है, जाओ लक्ष्मण, उस अभागिन को वन में छोड़ाओ।